नमस्कार दोस्तों टीचर सिंह में आपका स्वागत है आज हम डिस्कस करेंगे डेकान एजुकेशन सोसाइटी जो पुणे में है वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है पुणे में तो उनमें से एक है तो वहाँ कुछ टीचिंग पोजीशन में कुछ वैकेंसी निकला है जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया है आप देख सकते हो तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं तो ये आप देख सकते हो ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट डेकान एजुकेशन सोसाइटी यहां देखिए मेंशन किया गया है कैरियर तो हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे देखिए जब आप क्लिक करोगे ये पेज आपका ओपन होगा यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड रिसर्च आईएमडीआर पुणे तो यहाँ हम क्लिक करेंगे एडवर्टाइजमेंट और नीचे जो लिंक दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन तो हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे एडवर्टाइजमेंट पे तो ये है इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डिकन एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एंड रिसर्च आई पुणे तो एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन डी सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम देखिए यहाँ जितने भी सारे जो वैकेंसी यहाँ मेंशन किया गया है जैसे कि डेजिग्नेशन टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर टोटल चाहिए चार अंडर ग्रेजुएट डिग्री देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर टोटल पोजीशन है चार अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए पीजी डी एम सी ए आईसी डब्ल्यू एम कॉम कुछ भी टू ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आफ्टर

एच मैंडेटरी और सिक्स रिसर्च पब्लिकेशन में आपका पब्लिश होना चाहिए मिनिमम एट ईयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग रिसर्च एंड इंडस्ट्री आउट ऑफ विच एटलीस्ट टू ईयर्स एक्सपीरियंस तो टोटल एट ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए और उसमें भी पीएचडी के बाद कम से कम दो साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बाकी स्किल्स यहाँ थोड़ा देख लेना आप हाउ टू अप्लाई द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एवर पोस्ट इज अवेलेबल

ये जो एड्रेस है इस एड्रेस में आपको मेल करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसको डाउनलोड करना है और उसके साथ साथ जितने भी सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ मेंशन किया गया है इस सारे के सारे सर्टिफिकेट को अटैच करके एक ही पीडीएफ बनाना है और उसके साथ इस मेल आईडी पर आपको भेज देना है डेट देख लेते हैं बाकी सारे के सारे जो है आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेना द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज मे ट्वेंटी फोर ट्वेंटी ट्वेंटी थर्टी पी एम द ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी विल बी क्लोज आफ्टर दैट तो आपके पास जो टाइम है ये है ट्वेंटी फोर्थ मे तक आपके पास टाइम है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म एंड इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरव्यू प्रोसेस जो भी शॉर्ट लिस्ट होगा उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा वो ऑनलाइन भी हो सकता है ऑफलाइन भी हो सकता है तो लास्ट डेट है मे ट्वेंटी फोर ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो जिसको भी अप्लाई करना है मैनेजमेंट सब्जेक्ट में जैसे कि आपने देख लिया है और आई एम डी आर वो फेमस है मैनेजमेंट के लिए तो मैनेजमेंट में किसी को भी कैरियर करना है एज आज असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर तो वो यहाँ अप्लाई कर सकता है तो ये है डिटेल्स बाकी आपको कहाँ अप्लाई करना है जैसे कि मैंने दिखाया यहाँ अप्लाई ऑनलाइन यहाँ जाकर आपको क्लिक करना है इसके अलावा कुछ नॉन टीचिंग पोजीशन में जैसे कि वैकेंसी आप यहाँ देख सकते हो नीचे यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो जूनियर इंजीनियर आईटी टी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड जूनियर स्टेट सुपरवाइजर का जॉब भी यहाँ वैकेंसी है और इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये टीचर्स इन चैनल ये फुल्ली डेडिकेटेड है टीचर्स के लिए जो भी एक अच्छा टीचर प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए फुल्ली डेडिकेटेड है यहां हम टीचर्स रिलेटेड बहुत सारे स्टडीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड जॉब्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और नीचे जो हमारा सोशल मीडिया साइज दिया गया है इसमें आप फॉलो कीजिए तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा थैंक यू All the best.